हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। आज हम आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं। क्या नाम है इसका? डांसिंग रेजोनेंस। अब पहली बार सुना होगा आप लोगों ने कि डांसिंग रेजोनेंस क्या है। क्या रेजोनेंस नाच रही है, ऐसा क्या है? तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना? तो ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। तो देखो, इसको समझाने के लिए हम लोग एक कैटायन लेते हैं। क्या लेते हैं? कैटायन। कौन सा? कार्बो कैटायन। और वो कार्बो कैटायन कौन सा हमारा? सीपीएम। क्या नाम है? सीपीएम। सीपीएम का मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन। अब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन, देखो ध्यान से किसकी बात करें हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन, ठीक है? या फिर मैं इसको कैटायन भी लिख सकता था। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? सीपीएम। समझ गए कहानी? तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो हो गया हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, फिर उसके ऊपर मिथाइल कार्बो कैटायन बोला है तो हम लोग यहां पे क्या डालेंगे? CH2+। तो हमको ये कार्बो कैटायन दिया है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन है, ये हमारा बेंजाइल कार्बो कैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? बेंजाइल कार्बो कैटायन। अब बेंजाइल कार्बो कैटायन क्या है? ये बेंजाइल कार्बो कैटायन हो गया आपका CH2+। कि सर इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें तो क्या है? रेजोनेंस है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे मूव हो जाने चाहिए। ये यहां से जब यहां पे मूव होंगे तो क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये ऑर्थो पे क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसे ये मूव करता जाएगा आगे, ठीक है ना? फिर बाद में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, फिर यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? और सेम कहानी फिर यहां पे पॉजिटिव। इसका मतलब कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ये बेंजाइल कार्बो कैटायन है, इट शुड बी मोर स्टेबल। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन है वो आपके इस बेंजाइल कार्बो कैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन उठता कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस दिखाई नहीं दे रही है, डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे, पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा होगा कि रेजोनेंस कहां होती है? जहां पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी पाई पाई कंजुगेशन। तो आज हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्या है? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है? और वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होती है किसमें? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन में। कैसे होती है, क्या होती है, हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो देखो, हमने अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला था, कौन सा? sp5 हाइब्रिडाइजेशन का डाला था, ठीक है? कौन सा? sp5 का। और मैंने sp5 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल किसका दिया था? साइक्लोप्रोपेन का। और मैंने ये भी बताया था कि ये साइक्लोप्रोपेन में ये बॉन्ड फ्लैट नहीं हो करके वहां पर क्या होते हैं? बेंट होते हैं। क्या होते हैं? बेंट। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? बनाना बॉन्ड। ये बात किया था हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है एक्चुअली, ये बॉन्ड ऐसे नहीं हो करके, तो ये बॉन्ड कैसे है इसको मिटा के दिखाता हूं। ये बॉन्ड कुछ ये वाला बॉन्ड होता है, ये बेंट बॉन्ड बताया था। तो एक काम करते हैं, तो मैं इस साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप में इन सभी बॉन्ड को मैं बेंट बॉन्ड की फॉर्म में शो कर देता हूं। क्लियर कहानी? ठीक है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे। चलो, वेक्टर डायग्राम तो ये हुआ इसका पक्का। अब देखो ये CH2 पॉजिटिव है यहां पे, ठीक है? अब इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है? कार्बन का दो हाइड्रोजन है और एक ये बॉन्ड है, तो तीन, यानी sp2 हुआ। sp2 होने का मतलब क्या है? एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो मैं काम करता हूं, इन दो हाइड्रोजन को मैंने एक और एक शो कर दिया, ठीक है? इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। क्लियर कर ले, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर यह है कि अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, लेकिन एक चीज देखो कि ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये जो ये क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल,
ठीक है, और ये क्या है, ये बेंट बोन है, ठीक है। अब ये जो बेंट बोन है इन वेकेंट पी ऑर्बिटल्स के बहुत क्लोज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इट कैन बी पॉसिबल कि यहां के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहां चले जाए। कौन से इलेक्ट्रॉन चले जाए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन चले जाए, ठीक है। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, देखो ध्यान से, यही तो बनाया हम लोगों ने, CH2 पॉजिटिव। जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स में, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट गया और यहां पर कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड, ये क्या रहेगा, CH2, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब रेजोनेंस हुई, और रेजोनेंस में किसने पार्टिसिपेट किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो ये स्ट्रक्चर दिखने से हमको क्या लगता है, देखो ध्यान से, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला स्ट्रक्चर बनाता, तो दिख रहा है ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है और ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से क्या है, अवे है। लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर तो नहीं है, एक्चुअल का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है, बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर नॉट फ्लैट, दीज बॉन्ड्स आर बेंट, बनाना बॉन्ड है, तो क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स और ये जो बेंट बॉन्ड है दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंट बॉन्ड दे कैन मूव टू द वेकेंट पी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन, ओके। तो एक रेजोनेंस क्रिएट होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ये बात समझ आ गई। अब देखो ये ऐसे हुआ, ये भी तो हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां जाए, ठीक है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH2, फिर डबल बॉन्ड, देन दिस थिंग, और यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। समझ के अब बात यह है कि इस टाइप की रेजोनेंस को, कौन सी रेजोनेंस हुई यहां पे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हुई, कौन सी रेजोनेंस हुई, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। अब इस सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में एक चीज देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। देखो मैं अगर अपनी बॉडी को इसी हिसाब से शो करना चाहूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये देखो यस है, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां जा सकते हैं, यानी यस है, तो ऐसा लग रहा है कि वो डेंसिंग टाइप का होगा, सिंग गुदा टाइप का होता ना, ठीक है, तो वो डेंसिंग टाइप का होगा, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रेजोनेंस हो रही है, लेकिन कौन सी टाइप की हो रही है, डांसिंग टाइप की हो रही है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस है। बट इन एक्चुअल डांसिंग रेजोनेंस नाम की कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, हम सिर्फ इसको देख के बोल सकते हैं कि ये डेंसिंग रेजोनेंस जैसा है, ऐसा लग रहा है कि रेजोनेंस है वो डेंस कर रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी आई उससे, शानदार स्टेबिलिटी आई, लेकिन एक्चुअल में डेंसिंग रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, ये रेजोनेंस है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक है। इस वजह से CPM साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन बेंजाइल कार्बोकटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग डेंसिंग रेजोनेंस की टर्म बोले, वो टर्म नहीं होती है डेंसिंग रेजोनेंस, तो डेंसिंग रेजोनेंस टर्म को आप भूल जाइए, क्या बोलोगे इसको, आपको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलोगे, और ये जो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है ये आपके पाई बॉन्ड रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, इट इज मच पावरफुल देन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं कि हम कुछ कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं कि भाई सबसे हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे उनका ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ध्यान से पहले इसको उतार लीजिए, अब मैं इसको एक बार मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटाइन्स, और स्टेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटाइन्स, ये पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटाइन है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस इट इज हाईली व्हाट, स्टेबल। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या लिख दूं, CPM लिख दूं, ये देखो CH2 पॉजिटिव,
ठीक है, तो ये हाईली स्टेबल है। अब एक बात सोचो यहां पर कि अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और लगा दूं, तो वहां पे तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होने की प्रोबेबिलिटी इस सीपीएम से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, तो सी एच पॉजिटिव, फिर यहां पर एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो ये सीपीएम से क्या हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी इससे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसके चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब देखो एक बचा हुआ हाइड्रोजन हटा के एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और लगा दिया जाए तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सी पॉजिटिव एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, दूसरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और तीसरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, मींस ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फॉलोड बाय डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन एंड फॉलोड बाय साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्या रीजन है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। कहानी क्लियर आ गई। आपके पास मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, और उनमें से वन ऑफ दी ऑप्शंस में से ये है, आंख बंद करके टिक कर दो। रीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर कहानी है। अब उसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है, आपने एक कार्बोकेटाइन का नाम सुना होगा, क्या, ट्रोपाइलियम कैटायन। क्या नाम है, ट्रोपाइलियम। अब ट्रोपाइलियम कैटायन देखो क्या होता है, डायग्राम बना के दिखा रहा हूं यहां पे आपको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। क्या नाम है इसका, ट्रोपाइलियम कैटायन। अब देखो ध्यान से कि ट्रोपाइलियम कैटायन में पहले बात तो ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक के लिए कौन सा रूल आता है, हकल रूल। और हकल रूल के हिसाब से अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी आयन हो, अगर तीन कंडीशन कंप्लीट कर देता है, देन दैट मॉलिक्यूल और आयन कैन बी एरोमेटिक। अब वो तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कौन सी है, देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब n की वैल्यू अगर 1 डालूं तो कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 टोटल कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहली कंडीशन जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली, वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। दूसरी बात उसने क्या बोला कि दैट कंपाउंड और मॉलिक्यूल और आयन इट मस्ट बी प्लैनर, मींस कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो देखो भैया सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लैनर है। तो दूसरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। तीसरी उसने क्या बोली, कंजुगेशन होना चाहिए। अब कंजुगेशन क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल डबल सिंगल फ्री रेडिकल, सिंगल डबल, इस टाइप की। तो यहां पर कौन सी है, यहां है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। तो इसका मतलब कंजुगेशन भी हो रही है, क्या हो रही है, कंजुगेशन भी हो रही है। तो ये तीनों कंडीशन को ये आयन क्या करता है, क्लियर करता है। इसका मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक। तो पहले तो बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो ड्यू टू एरोमेटिक करेक्टर तो ये क्या हो जाना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव होकर यहां जा सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होकर यहां पर आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर रेजोनेंस भी है, क्या है, रेजोनेंस भी है। इसका मतलब कि जो ट्रोपाइलियम कैटायन है, ट्रोपाइलियम कैटायन में क्या क्या चीजें हैं आपके पास, एक तो ये एरोमेटिक, प्लस में क्या है, रेजोनेंस, और इन दोनों की वजह से ट्रोपाइलियम कैटायन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये कहानी समझ आ गई। चलो अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है कौन सा, सी पॉजिटिव। हमने एक लगा दिया यहां पे क्या, फिनाइल ग्रुप, एक और लगा देते हैं फिनाइल ग्रुप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और एक फिनाइल ग्रुप हम क्या कर देते हैं, और लगा देते हैं। क्या नाम हो गया इसका, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम है इसका, ट्राई फिनाइल
ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बो केटाइन। अब ये ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बो केटाइन स्टेबल क्यों है? क्योंकि भैया तीन तीन फिनाइल ग्रुप लगे हैं। अब तीन तीन फिनाइल ग्रुप से क्या होगा? रेजोनेंस होगी। क्यों? वही कहानी की पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव हो सकता है। अब इन फिनाइल ग्रुप को एरोमेटिक होने के लिए तो शो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहां पर क्या है? रेजोनेंस है। सो ड्यू टू रेजोनेंस ये ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बो केटाइन क्या है? स्टेबल हो जाता। लेकिन प्रोपाइलियम केटाइन में ये एरोमेटिक भी है प्लस में रेजोनेंस भी है, दोनों है, तो इसलिए प्रोपाइलियम केटाइन इज मोर स्टेबल देन ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बो केटाइन। कहानी समझ आ गई। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद एक फिनाइल ग्रुप हटा दो, इसका मतलब सी यहां पर हमने क्या कर दिया? एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, यहां भी हमने क्या कर दिया? एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया और इसको क्या कर दिया हमने? सी एच पॉजिटिव। क्या बन गया? ये डाई फिनाइल मिथाइल कार्बो केटाइन, क्योंकि दो दो फिनाइल ग्रुप है, यहां पे तीन तीन फिनाइल ग्रुप है, तो इसका जो रेजोनेंस है इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद रीजन क्या है इसका भी स्टेबल होने का? रेजोनेंस, सबके रीजन लिख देते हैं अपन। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आना चाहिए बेंजाइल। ना 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 ना, अब यहां पर फिर ट्विस्ट है। इसके बाद आता है कौन सा? टर्शियरी कार्बो केटाइन। अब टर्शियरी कार्बो केटाइन क्या? देखो ध्यान से, सी पॉजिटिव, देन फिर क्या करूं मैं? R डबल प्राइम। कौन सा? ये टर्शियरी कार्बो केटाइन। अब ये R डबल प्राइम दे में भी सेम और दे में भी डिफरेंट। अब टर्शियरी कार्बो केटाइन से लेस स्टेबल है कौन? बेंजाइल वाला। कौन? बेंजाइल कार्बो केटाइन। अब माइंड में क्वेश्चन आता कि सर क्यों? ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको, बेंजाइल कार्बो केटाइन। ठीक है सर, यहां पे तो रेजोनेंस हो रही थी, यहां पे तो क्या है? रेजोनेंस। अब यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं, यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? तो रीजन देखो यहां पे। ठीक है, यहां पे कौन सा इफेक्ट आता है? इंडक्टिव इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक बार अज्यूम करके देखो कि ये आर की जगह मिथाइल ग्रुप है, आर की जगह क्या है? मिथाइल ग्रुप सी एच एच, समझ गया ना? अब तीनों शो करने की जरूरत है नहीं, CH3। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, तो पहले तो क्या हो जाएगा? इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो है। दूसरा, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से उठ के यहां सकता, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से उठ के कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर ये वाला सिग्मा भी तो आ सकता है, ये भी सिग्मा आ सकता है, इसका मतलब कितने बॉन्ड हुए यहां पर? तीन बॉन्ड हुए। ठीक है, अगर इस कार्बन को मैं क्या बोलूं? अल्फा कार्बन बोलूं, तो यहां पर एक दो तीन, तो ये भी कौन सा हुआ? ये अल्फा हुआ, तो ये भी अल्फा, ये भी कौन सा हुआ? अल्फा। देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसका मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्मड। अब यहां पर 9 फॉर्म होगी, लेकिन यहां पर तो इतनी फॉर्म होगी नहीं, इसका मतलब कि यहां पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है और प्लस में क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्मड, दैट्स व्हाई टर्शियरी कार्बो केटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बो केटाइन। यहां पे सिर्फ क्या आपके पास? रेजोनेंस है। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई? तो अच्छे से समझ लीजिए, टर्शियरी कार्बो केटाइन होता है वो बेंजाइल कार्बो केटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? चलो अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कौन आएगा? सेकेंडरी यानी सी एच पॉजिटिव R प्राइम, और ये क्या हो गया? R। ठीक है, यहां पर भी कौन सा हो गया? इंडक्टिव प्लस में हाइपर कॉन्जुगेटिव हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कार्बो केटाइन। अब सेकेंडरी कार्बो केटाइन उसके बाद कौन आता है? एलाइलिक। कौन सा आता है उसके बाद? एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्या है? एलाइलिक कार्बो केटाइन। ठीक है, अब एलाइलिक कार्बो केटाइन क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या होती है? रेजोनेंस होती है। क्या होती है? रेजोनेंस। और यहां पर सेकेंडरी में क्या होता है? इंडक्टिव प्लस में हाइपर कॉन्जुगेटिव। यहां पर क्या है? इंडक्टिव प्लस में हाइपर कॉन्जुगेशन, और एलाइलिक में सिर्फ क्या है? रेजोनेंस है ओनली। तो दैट्स व्हाई
सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कौन आएगा? CH3 मिथाइल कार्बोकेटायन आएगा, और मिथाइल से पहले कौन आता है? प्राइमरी ले लो, क्या हो जाएगा? RCH2 पॉजिटिव प्राइमरी, ठीक है। यहां पे क्या है? इंडक्टिव है लेकिन बहुत कम है, और हाइपरकंजुगेटिव भी बहुत कम है, ठीक है। इसलिए एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे? प्राइमरी से। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर कौन आएगा? मिथाइल कार्बोकेटायन। अब मिथाइल कार्बोकेटायन में ना तो इंडक्टिव है ना हाइपर कंजुगेटिव है, तो क्या हुआ? न्यूट्रल है, कोई टाइप की इफेक्ट यहां पर है नहीं। तो उसके बाद कौन है? मिथाइल कार्बोकेटायन आता है। अब मिथाइल कार्बोकेटायन के बाद कौन आता है? फिनाइल कार्बोकेटायन। ध्यान से, फिनाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और फिनाइल कार्बोकेटायन के बाद कौन आता है? वाइनाइल कार्बोकेटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ये कौन सा आपका? वाइनाइल है, और ये कौन सा आपका? फिनाइल है। अब क्वेश्चन था कि सर फिनाइल कार्बोकेटायन लेस स्टेबल क्यों हुआ इवन विद मिथाइल कार्बोकेटायन से? यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पर रेजोनेंस की वजह से ही ये डीस्टेबलाइज हो गया। अब क्वेश्चन था कि सर रेजोनेंस की वजह से डीस्टेबलाइज कैसे हुआ? ध्यान से देखो कि जिस कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव है उस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, बस दो ही तो सिग्मा हुआ। ओके, तो 1 2 3 बॉन्ड है ना, उसमें सिग्मा कितने हैं? 2 ही है। अब 2 सिग्मा होने का मतलब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। sp का मतलब क्या है? s करैक्टर 50% है, एंड s करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका मतलब यहां पर ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो पॉजिटिव बियर नहीं करेगा, लेकिन यहां पर उसी कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव आ गया। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो इस वजह से ये क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। और सेम कहानी यहां पे वाइनाइल में आ गई, ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी कम होने का रीजन क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। दे आर डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, व्हाई? बिकॉज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल। सो टुडे वी डिस्कस सम ऑफ द कार्बोकेटायंस, और हमने कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस किसमें? सीपीएम में, ठीक है। तो सीपीएम है, ये कौन सा हो गया आपका? डाइसाइक्लो सीपीएम, डाइसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये कौन सा हो गया? ट्राइसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, पता लग गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आया है एक एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं कि क्या है कैसे है, और मेरे ख्याल से आप शायद आधे सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या? Which among the following carbocations have longest half life? क्या बोला है? Longest half life। अब longest half life का मतलब क्या हुआ? कि जो ज्यादा stable है उसी के बारे में पूछा है। इसका मतलब इन्होंने पूछा है Which among the following carbocations is more stable? अब आपको शायद आपको देखते ही समझ आ गया इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, क्लियर है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है ना। तो इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये वाला ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद कौन सा होता है? ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और उसके बाद कौन सा? ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ देते हैं कि भैया यहां पर क्या था, यहां पर ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री एंगल की वजह से क्या हो रहा था? एंगल स्ट्रेन हो रहा था। क्या हो रहा था? एंगल स्ट्रेन। तभी ये बॉन्ड फ्लैट नहीं होकर के ये बॉन्ड क्या थे? बेंट थे। ये बॉन्ड क्या थे? बेंट थे। यही तो पढ़ा हम लोगों ने। अब बेंट होने से क्या हुआ कि इस कार्बन के जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है उनके क्या हो गए? ये बड़े क्लोज आ गए, और क्लोज आने से क्या हुआ कि यहां पर रेजोनेंस हो गई। कौन सी? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ये एंगल कितना है? ये एंगल है 120 डिग्री, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट से भी ज्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन का तो मतलब ही नहीं उठता। जब एंगल स्ट्रेन नहीं होगी तो ये बॉन्ड बेंट नहीं होगा, और बॉन्ड बेंट नहीं होगा तो ये इसके जो फ्लैट बॉन्ड्स हैं वो, और इस कार्बन का जो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे? क्लोज नहीं आएंगे। तो क्लोज नहीं आएंगे तो यहां के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में नहीं आएंगे,
इस वजह से क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगी। तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहां पे होगी, इसमें होगी ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में। तो इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसका हुआ, नंबर फोर का हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्या होती है, कैसे सीपीएम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस से। ठीक है, लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं किससे, डांसिंग रेजोनेंस से, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डांसिंग रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे। और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है वो आपके पाई बॉन्ड रेजोनेंस से बहुत ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है, डोमिनेट कर जाती है उसको, दैट्स व्हाई वो सीपीएम है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कभी किसी टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।